बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, रब इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दा तम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत होती हैं जो कि ख़वातीन पर, ख़ास तौर पर आदमियों के साथ भी लेकिन ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर सहूलत पेश करती हैं, क्योंकि वो एक, जिनको मैं उनकी एबसेंस में हमेशा कहता हूँ, एक साइंसदान गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं उससे राबता करें, तो ये उन ख़वातीन में से हैं जो कि साइंसदान गायनेकोलॉजिस्ट हैं और आप हैं और आपको राय भी देती हैं, और जो रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं उनके ऊपर आपकी तसल्ली तशफ़ी भी कराती हैं और जो हेल्प कर सकते हैं वो भी करते हैं। डॉक्टर साजिदा शाहनवाज़, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? और जनाब गुलाम हैदर साकिब, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं जी? अल्लाह का जनाब, हमारे साथ कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम नीला बेटा जी, नीला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हेलो जी, फरमाइए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरी ना तीन बेटियां हैं जी माशाल्लाह। पहले तो मैं जेंडर सिलेक्शन का डॉक्टर साजिदा से इलाज करवाना चाह रही हूँ। अच्छा, मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं अफोर्ड कर सकूँ। अच्छा, ये बताइए नीला कि आपको जेंडर सिलेक्शन का आइडिया कहाँ से आया? जेंडर सिलेक्शन का आइडिया, बस मैंने ये आपके शो वगैरह देखे हैं पहले, तो यहीं से मुझे ये आइडिया आया कि मुझे करवाना चाहिए, क्योंकि मेरी ससुरालियों को बहुत ज्यादा प्रेशर है, वो मुझे बहुत तंग करते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, तो मैं अफोर्ड नहीं अब कर सकती। तो मियां राजी है इस बात पे? मुझे ये आइडिया है जी। मियां राजी है? हाँ जी, मियां राजी है। ठीक हो गया, तो आप फरमा रही है कि आप ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती, ऐसा ही है ना? मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। हाँ जी डॉक्टर साहब, इन्होंने पहली कॉलर, पहली तो ये है कि ये पहली कॉलर है, शी इज़ द लकीस्ट वन, तो आप आ सकती हैं जनाब इसी रेफरेंस से मेरे पास आ जाइएगा, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि आपका कोई भी ट्रीटमेंट जो भी जेंडर सिलेक्शन का होगा वो आपके मियाँ के टेस्ट के बगैर पॉसिबल नहीं है, हो सकता। तो उनको आपने साथ लेकर आना है, ठीक है? क्योंकि उनका टेस्ट होगा तो मैं बता सकती हूँ कि आप पे कौन सा तरीका एप्लीकेबल है। पेशेंट समझते हैं कि शायद एक ही तरीकाकार है जो सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है, हालांकि ऐसा नहीं है। हर मर्द डिफरेंट है, उसके एक्स और वाई स्पर्म की कैपेबिलिटीज डिफरेंट है, ठीक ठीक है? तो अगर टेस्टों के बाद मुतय्यन होगा कि तरीका कौन सा होगा। पता चलता है, बाज़ दफ़ा हम किसी मेल को देखते हैं, हमें पता चलता है कि इसके वाई स्पर्म अभी इस स्टेटस में ही नहीं है कि हम इसको कोई भी तरीका कार करें। सही, पहले सही, उसको मेडिकेशन दे के जो भी उसका 90 डेज का साइकिल हो, जब वो बेहतर हो जाता है फिर तो फिर बताते हैं। इसलिए मैं बड़े लोगों को, मेरे पास अक्सर पेशेंट जो ख़ास तौर पर आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से जो बाहर के लोग हैं वो सुन रहे हैं, अगर हमने एक किट ऐसी ड्राई डीवर्स हैं वो हमने बनाए हैं, तो उनके अंदर हम उनको भेज सकते हैं, वो अपना सैंपल जो है वो सैंपल भेज सकते हैं हमें। अच्छा। ताकि उनके आने से पहले हम सैंपल टेस्ट कर लें, अगर उनको किसी मेडिकेशन की ज़रूरत है तो पहले वो 3 महीने मेडिसिन खा के आएँ। तो मुझे अफसोस होता है कि जब वो लोग आ जाते हैं इतनी दूर से, यूके से आगे, अमेरिका से आगे, सैंपल आपको जब भेज दिए तो वो कितने अरसे तक वैलिड होता है या कितना उसका एक्सपायरी टाइम क्या होता है? नहीं, उसका एक्सपायरी टाइम नहीं होता, उसमें जैसे हमारे नाइट्रोजन कैन होते हैं ना, ऐसे शिपर्स होते हैं, वो शिपर बाकायदा वहाँ से उन कंट्रीज में भी अलॉट हो जाते हैं, क्योंकि ख़ास तौर पर जो अमेरिका में है उनको तो हम अलॉट कर सकते हैं वहाँ से, क्योंकि हमारा दूसरी ब्रांच वहाँ पे है। चीज़ों को ताज़ा रखने के लिए हाँ जी, नाइट्रोजन डालते हैं, लिफाफा फाड़ते हैं तो फटक आती है ना, हाँ, तो उसके अंदर यस, फिर वो पार्सल जब हमें आ जाएगा तो उस पार्सल को हम ओपन करके उनके टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। वंडरफुल। अच्छा, ये बड़ी बात अच्छी नहीं लगती है डॉक्टर साहब, आप इसमें थोड़ा सा ना जज्बाती सा रद्देमल दें, दिल वाला। हाँ। कि लोग कहते हैं जनाब हमने आपको देखा। हाँ। हाँ। और हमने आपको अप्रोच किया, उनकी जिंदगी का एक ख्वाब है जो कि नामुमकिन था, अल्लाह करने वाला है, लेकिन वो इस चैनल से देखते हैं और आपको अप्रोच करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मुझे पेशेंट ख़ास तौर पे, चले जेंडर सिलेक्शन तो एक मैं समझती हूँ लग्जरी है जी, ठीक है, जिनका बच्चा ही नहीं वो तो एक ज़रूरत है ना, है? मेरे पास जब पेशेंट आके, बल्कि आज उस पेशेंट ने आना भी था, अगर पॉसिबल हो सका तो आप कॉल पर ले लीजिएगा, 0 स्पर्म के साथ जो बंदा बाहर से भी अपना ट्रीटमेंट करवा चुका हो और उसे कहा जाए कि अब तुम बायोलॉजिकली तुम फादर नहीं बन सकते,
तो औरत उसके साथ रहने पे बाउंड है कि मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहती। उस औरत की क्या ज़िंदगी है, उस मर्द की क्या ज़िंदगी है? और जब उन्हें पता चलता है कि हमारे लिए होप है, और कुतुब ऑनलाइन से पता चलता है, और आपकी सोच होगी कि लोग जिस तरह आपके लिए जब हाथ उठा के दुआ करते हैं, ना सिर्फ मेरे लिए, पूरे प्रोग्राम के लिए, आपकी पूरी टीम के और सब, खुदा की कसम, ये लगता है जिंदगी का हासिल मिल गया। और इंसान अगले कई दिन उस नशे में वो मोहब्बत और सुरूर जो है ना, वो आपके ऊपर सही इस्तेमाल किया, वो कई दिन ये नशा रहता है। मैं समझती हूँ लोग कहते हैं एंटी एजिंग क्या है, मैं समझती हूँ एंटी एजिंग ये है कि जब कोई आपको सिद्दे दिल से दुआ दे और आप उसके नशे में मसरूर। क्या बात है, क्या बात है। ये देखिए अल्लाह पाक ने शिफा कैसे रखी है, घुमा के दुनिया फिर के एंड में डॉक्टर साहब के मतलब हम तो आस्थाने ही कहेंगे, डॉक्टर साहब के क्लिनिक में आए तो शिफा अल्लाह पाक कैसे तकसीम यार ये है? आस्ताना नहीं है कि एक शख्स कहता है कि मैं चाहता हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है, लेकिन अफोर्ड मुझे आप करें। यार दुनिया में वो कौन सी बहुत बड़ी बात, कहाँ होता है ये नेमत अल्लाह की, कहाँ होता है ये? और अल्लाह पाक ने लोग चुने हुए इस मकसद के लिए। एक जुमला कहूँ फिर कॉलर के पास, ये पाकिस्तान में होता है बेशक। यार ये इतना खूबसूरत मुल्क है और आप इसके ऊपर अच्छी अच्छी बातें किया करें, बुरी बातें ना किया करें। जी अस्सलाम वालेकुम कराची। जी वालेकुम अस्सलाम। जी राशिद भाई। जी मैंने लास्ट टाइम भी कॉल की थी, असल में इशू है कि 2 साल से बेरोजगारी है, मैं इलाज नहीं करवा पा रहा हूँ। 2013 में मेरी शादी हुई थी, 2021 हो गया, लेकिन वो यही है, अभी डॉक्टर साहब अभी बात करेंगे कि जीरो स्कॉम है। मैंने भी बहुत इलाज करवाया लेकिन फायदा नहीं। राशिद क्या इलाज करवाया आपने बेटा? मैंने ये जितने भी टेस्ट करवाया उसको नहीं नहीं इलाज टेस्ट तो इलाज नहीं ना होता, इलाज क्या करवाया? इलाज ये ऑस्ट्रेलियन फर्टिलिटी सेंटर भी गया। नहीं नहीं गया 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 नहीं नहीं आप गए नहीं, ये नहीं कोई बात। आपने कहा मैंने बहुत इलाज करवाया, वो इलाज क्या करवाया आपने? इलाज जो मेडिसिन होती है, जो इंजेक्शन होते हैं, वो सब मेरे लगे। मुझे याद नहीं है कि क्या क्या चीज़ें। अगर जीरो स्पर्म के साथ इलाज कैसे डॉक्टर साहब? ये सही कह रहे हैं। अच्छा आप प्रोग्राम में जरा सुनते रहिएगा, ये बड़ा सुनते रहना बेटा। हाँ ये मैं आपको, और आप वैसे सेकंड कॉलर हैं, आपको मुबारक हो इंशाल्लाह। आई विल कोऑपरेट, और जब आपका बच्चा हो जाए ना, आप एक वादा करें कि आपने वो बच्चा हमें समा पे दिखाना। क्या बात है? हाँ इंशाल्लाह। अच्छा एक्चुअली होता ये है कि मेरी एक, क्योंकि पेशेंट्स बड़े गौर से ये प्रोग्राम सुनते हैं, जिनके भी जीरो स्पर्म हैं वो लोग ये याद रखें कि अगर डॉक्टर्स आपको बिला तरदुद महंगे महंगे इंजेक्शंस लगा रहे हैं आपके टेस्टों के बगैर, तो आप खुदा के लिए अपनी मनी उसके ऊपर वेस्ट ना करें। हकीमों को भी इसमें शामिल करें ना हकीमों को, क्योंकि जीरो स्पर्म का मतलब है, बाज़ दफ़ा हम सबसे पहले आपका ट्रीटमेंट होना चाहिए आपकी बायोप्सी हो, यानी टेस्टिस से बायोप्सी हो। अगर बायोप्सी में कोई स्पर्म मिलते हैं तो इसका मतलब है आपकी ऑब्स्ट्रक्शन है, आगे रास्ता बंद है, फैक्ट्री सही काम कर रही है, रास्ता बंद है। फिर आपने ये देखना है कि मेरे स्पर्म में क्या मेरे हेडक्वार्टर से नहीं आ रहे, उसके लिए आपके 3 टेस्ट हैं, FSH, LH और सीरम टेस्ट। पाकिस्तान में होते हैं? पाकिस्तान में हर जगह हर शहर में होते हैं। आप लोग मेरे आने से पहले, मेरे पास आने से पहले भी करवा के आ सकते हैं, वो करवा लें। अगर तो आपके वो बहुत लो हैं, बहुत कम है, तो उन लोगों के, जो समझती हूँ मेरे, जो हमारी स्टडीज़ हैं उसके मुताबिक सिर्फ 2% लोगों में लो होते हैं, यानी आप अगर 100 पेशेंट हमने एजोस्पर्मिया के लिए तो 2 या 3 लोगों के लो होंगे, और वो खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनके ऊपर वो इंजेक्शन काम कर सकते हैं। अगर आपके वो रेगुलर हैं लेवल FSH, LH और टेस्टोस्टेरोन, तो आप मत लोगों से, हमारे डॉक्टर्स को भी सॉरी टू से, शायद अब वो पढ़ते नहीं या फर्टिलिटी की अपडेट्स नहीं देखते। मैंने खुद देखा है कि बड़े बड़े कंसल्टेंट उस इंजेक्शन को दे रहे होते हैं। अगर आपका नॉर्मल हार्मोनल प्रोफाइल है या ज्यादा है, तो फिर तो आपकी तबाही हो चुकी है। ठीक, फिर आपको स्टेम सेल के अलावा दुनिया की कोई और होप नहीं है जो बायोलॉजिकल पेरेंटिंग के लिए, वरना आपको एडॉप्शन करनी पड़ेगी। ये मैं खास तौर पे ना राशिद आपको इसलिए कह रहा था कि आपने क्या इलाज कराया, कि आम तौर पे जितने भी पेशेंट आते हैं ना, जितने भी कॉलर्स आते हैं, वो सबसे पहले कहते हैं सारे टेस्ट कराते, सारे ऐसी इलाज कराते, कुछ नहीं होया। ये बहुत बड़ी बात है इस तरह से कहना, आपको प्रिसाइसली पता होना चाहिए कि आपका इलाज क्या हो रहा है। आपका इलाज हो रहा है, आपकी ज़िंदगी है, सेहत है। आपको कोई सर दर्द की भी गोली देगा तो आप पूछेंगे ना कि जनाब ये आजकल के
दौर में ये माना चल रहा है मिसाल के तौर पे कोविड के अंदर आप हर तरह का पेन किलर आपको डॉक्टर रिकमेंड नहीं करते, सेफ्टी नेट अपने लिए ज़रूर रखें और डॉक्टर को जो इतला दें, जो इन्फॉर्मेशन दें वो बिल्कुल हकीकत पे और सच्चाई पे बेस्ड होनी चाहिए। वकील से और डॉक्टर से आप अपना पेट ना छुपाएं। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी मेरा बेटा। जी बिलाल भाई, मेरी औलाद नहीं है उसके बारे में पूछना था आपसे, और हस्बैंड की जॉब और बिजनेस के बारे में, जॉब करते हैं वो फूड से रिलेटेड, और उनके कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को बेटा? 6 साल हो गए हैं बिलाल भाई। और आपकी कितनी एज है बेटा? 47। 47 और आपने इलाज कराया इन 6 सालों में? जी 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 बिल्कुल। तो क्या बताया डॉक्टर्स ने? लेवल से मेरे एफएसएच वो ज्यादा आ रहे हैं और एएमएच भी है वो भी ज्यादा है। एएमएच कम हो गया? सॉरी वो लो है, वो लो है, वो कम हो गया होगा। अच्छा, आपने जब आपकी शादी हुई होगी तो यकीनन मेरा ख्याल 41 में तो हुई होगी, तभी 6 साल हुए ना? जी जी। अच्छा, तो आपने उस वक्त आपने देखा कि मेरा एज फैक्टर है, आपने किसी फर्टिलिटी यूनिट के पास आप गए हो? जी, जब से इलाज हो रहा है मेरा। इलाज हो रहा है। अच्छा, अब आप जरा गौर से इस प्रोग्राम में ना आप देखते रहें, क्योंकि मैं आपकी बात तो दूसरे लोगों से भी शेयर करना चाहती हूं। इलाज हो रहा है तो फिर रिक्वायर्ड क्या है? मैं बेटा ये नहीं समझा, आपका ट्रीटमेंट तो हो रहा है तो उसमें मुझे कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा। आप ट्रीटमेंट कराना चाह रही हैं ना? आप ट्रीटमेंट कराना चाह रही हैं या अंडर ट्रीटमेंट है किसी के? मैं अंडर ट्रीटमेंट हूँ, उसमें भी अभी मुझे रिजल्ट नहीं मिला। ओके ओके ओके। अच्छा चलें, जो भी इनका जैसे अब इनका ये इशू है 47 इयर्स, तो मेरी यहाँ पे ना एक बड़ी हम्बल आजजी से एक रिक्वेस्ट है डॉक्टर्स को कि हमारे डॉक्टर्स जो है ना वो एक ही डंडा लेते हैं सब और सब के ऊपर वही हाँकते हैं। हम बिजी होते हैं नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा ख्याल करें कि अगर आपका पेशेंट 35 के बाद आता है, पहला सवाल ये पूछा जाता है, जूनियर डॉक्टर पूछती है शादी को कितना अर्सा हुआ है, मरीज कहता है 1 साल, कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं हो जाएगा हो जाएगा। उम्र 35। अच्छा, उम्र जब इनकी 41 थी ना, और इनको बहुत सीरियसली, इवन मैं ये समझती हूँ कि शादी से पहले अपनी बच्चियों का एक सेशन एक गायनोकोलॉजिस्ट से जरूर करवाना चाहिए। इसी तरह मेल को भी कराना चाहिए, क्योंकि शादी बेसिकली नस्ल इंसानी की तोसी है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना। सबसे अवैल्यूएशन ज़रूर कराएं, बिल्कुल करानी चाहिए, और उसको अपनी हद तक नहीं समझनी चाहिए। अगर किसी का कोई प्रॉब्लम डॉक्टर पहले से बता देती है बच्चियों का, मेरे पास कई ऐसी बच्चियाँ आती हैं, मैं उनको बताती हूँ कि आपका ये प्रॉब्लम है, आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी है, आपको शादी के बाद अंडा बनने की मेडिसिन खानी पड़ेगी, तो वो लोग आ जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि अब इस एज में 40 में शादी हुई तो इनका IVF बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था। अभी जैसे इनका सीरम AMH भी कम है बहुत, इसका मतलब है इनका ओवेरियन फेलियर है, अंडेदानियां अपना काम शायद छोड़ चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्टेम सेल इज अ होप इनके लिए कि शायद उससे, लेकिन ये जितनी जल्दी हो सके जी, इसको इनको अब इनके पास गुंजाइश नहीं है, गुंजाइश नहीं है, इनका ओवेरियन रिजुविनेशन करना जरूरी है, फिर अगर इनके एग बनेंगे तो इनकी प्रेगनेंसी हो सकती है, वरना नहीं। डॉक्टर साहब, ये जो जिसे हम कहते हैं कि एक रिप्रोडक्टिव एज है जी, वो एज कहाँ से शुरू होती है और मैक्सिमम कहाँ तक हेल्दी रहती है? देखें, एज तो रिप्रोडक्टिव आपकी 18 के बाद जब आप बालिग होते हैं शुरू हो जाती है, इवन 17 के बाद भी शुरू हो जाती है, तो उसके बाद आगे फर्टिलिटी कितनी देर रहेगी, फर्टिलिटी आपकी 42 तक भी रह सकती है, लेकिन आपका बेस्ट एज है कि आप 35 से पहले पहले अपनी फैमिली कंप्लीट कर लें। अगर फैमिली कंप्लीट करनी है, चाइल्ड स्पेसिंग भी करनी है, तो मेरे हिसाब से 25-26 साल तो एंड है ना, कि कर लेनी चाहिए, ताकि चाइल्ड स्पेसिंग के साथ आप 3 बच्चे पैदा कर लें। ठीक है डॉक्टर साहब, ये क्या एज के साथ साथ क्वालिटी जो है स्पर्म की या एग की, क्या ये कम होती चली जाती है? 100% कम होती है, ना सिर्फ औरत में, मर्द में भी एंड्रोपॉज आता है। एंड्रोपॉज का मतलब है कि मेल में उसके सैंपल तो होंगे, उसके सीमन तो होंगे, लेकिन उनकी क्वालिटी नहीं होगी। एक तो फर्टाइल इश्यूज भी आते हैं, दूसरा उनमें रिकरेंट अबॉर्शंस आ सकती हैं उनके पार्टनर में। ठीक, अगर मेल के अंदर, मेल और फीमेल दोनों को अपनी एज का ख्याल रखना, और उससे आगे यह है कि बहुत ज्यादा कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज आती हैं, देखा गया कि उन बच्चों का IQ लेवल कम हो जाता, जिनके बाप ज्यादा एज के थे उनमें IQ लेवल उन बच्चों में कम है। आपने देखा होगा जिन लोगों में, क्या वजह थी
कि जो लोग हमसे सीनियर थे, हमारे एज के लोग थे, उनमें उन लोगों में आईक्यू लेवल बहुत इंटेलिजेंट लोग थे, कहाँ तक गए। उनमें क्या होता था, ट्रेंड था अर्ली मैरिज का, यंग एज में माँ और बाप यंग होते थे। अब आप आगे जाते जाएं, बच्चा आपको, हम कहेंगे जी बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ा के, लेकिन वो एक लेवल के बाद जाके बच्चों की उतनी परफॉर्मेंस नहीं रहती जितनी के होनी चाहिए। होनी चाहिए, ये वो आईक्यू है जो वक्त के साथ साथ उनका जल्दी सिनाइल चेंजेस उनके बच्चों में भी जल्दी आती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वापस आके करता हूं, पहले कॉलर से बात कर लूं। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम जी फरा। सर एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी है। तो ये प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ये तो अल्लाह की रहमत है ना फरा। यानी कि मैं इसके बाद की प्रॉब्लम आपको शेयर करना चाहूंगी। तो इसके बाद मेरे बेटे के बाद मेरे 5 बार एबॉर्शन हुए हैं, ठीक है। यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव होती है, सेकंड मंथ एंड होने वाला होता है तो मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, तो एक मेरी ट्यूबल प्रेगनेंसी हुई थी। तो मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि ये क्यों इशू क्यों बन रहा है कि मेरे पहले बच्चे माशाल्लाह कोई मुझे इशू नहीं था उनकी प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में। अच्छा, मुझे कोई भी ऐसा कोई इशू नहीं था। देखो ना, जवानी में हमें मसाइल नहीं थे, ना गोड़े दर्द होते थे, ना डायबिटीज थी, ना ब्लड प्रेशर था। फिर उम्र के साथ हो गई सारी चीजें, फिर हम कहते हैं यार मैंने सी नहीं है, होया क्यों है ऐसे। नहीं ना, एक यंग औरत को थोड़ा कहते हैं ये। अच्छा, आपकी एज कितनी है? 31। You are quite young. ठीक है, आप भी अच्छा बच्चे और पैदा करना चाह रहे हैं आप? हाँ। अच्छा, मुझे एक बात आपसे पूछनी है। एक अल्लाह ताला और दे दे तो मेहरबानी है उसकी। हाँ, बेशक, आपकी वो बड़ी जेन्युइन डिजायर है। आपका ये है कि मुझे बताओ कि सबसे लास्ट वाला आपका एक टॉपिक प्रेगनेंसी थी? नहीं, उससे पहले सेकंड लास्ट वाला। और उसके बाद फिर आपका बेबी हुआ, इसका मतलब है कि अब आपका ट्यूबल स्टेटस ठीक है। ठीक है, लेकिन उसके बाद मिस कैरेज को कितना अर्सा हो गया? अच्छा, आपकी एक फिजिकल एवेल्युएशन चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा टेक्निकली कोई ऐसी चीज होती है कि सिर्फ फोन पे वो नहीं बताई जा सकती, लेकिन आप सुनते रहें कि क्या वजूहात होती है। मैं जनरल बता देती हूँ, इनको अपने मेडिकल टेस्ट कराने चाहिए। खुदा न खास्ता कोई डायबिटीज वगैरह तो नहीं होगी, क्योंकि बाज़ दफ़ा उसकी वजह से भी बहुत रिकरेंट मिसकैरेजेस, हार्मोनल इम्बेलेंस अगर इनका हो गया है, पॉलीसिस्टिक ओवरी होगी है, एंड्रोजन लेवल ज्यादा हो गए, उसकी वजह से भी रिकरेंट अबॉर्शन होते हैं। हमेशा से हो, ये कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होगी है, उसकी वजह से हो जाता है। हस्बैंड के टेस्ट में अगर एबनॉर्मेलिटीज आ गई हैं तब भी इनका प्रॉब्लम हो सकता है। इनके अपने टेक्निकल इश्यूज जो कि इनके, जब हम मैं अल्ट्रासाउंड करूंगी, इनको फिजिकली एग्जामिनेशन करूंगी, फिर भी आपने मुझे 30 सेकंड में बताना है कि बेटा और बेटी जो है उसको हम लेके जाएं एक डॉक्टर के पास, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, और उसको कहें कि आप इन्हें एजुकेट करें अपने मसाइल के बारे में, फिर इनकी हम शादी करेंगे। इस पर कोई शरीयत के अंदर पाबंदी, कोई किसी किस्म का लकुना तो नहीं है? शरान, कोई किसी किस्म की कबाहत नहीं है, बल्कि ये तो इस्लामिक इंफॉर्मेशन है, कुरान की इंटरप्रटेशन है कि आप अवेयरनेस प्रोवाइड करें। इसीलिए तो कुरान कहता है कि बलूगत के बाद नमाज और कुरान के अहकाम और शरीयत की ये बुनियादी बातें जो इनको सीखना चाहिए। बल्कि मैं तो डॉक्टर साहब की वो बात से बहुत खुश हो रहा हूँ कि हमारे माशरे के अंदर शादी का रस्म देर की लंबी उम्र, बड़ी उम्र के बाद होना शुरू हो गया, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, तो हम मात प्रस्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं। हमें पता चल रहा है कि ये अगर हाथ पे चोट लग गई है तो इसकी ट्रीटमेंट डॉक्टर करेगा, तो हम उसको खुद ही मलम बना बना के लगा ही जाएंगे जब तक वो उंगली उसकी कटेगी नहीं, उस वक्त तक हमें चैन नहीं आएगा। तो मर्द हजरात को चाहिए कि तो हम मात प्रस्तियों से बाहर निकलें, स्ट्रगल करें, मेहनत करें, और जितनी भी खवातीन हैं उनके लिए कुछ सोचें। हमारे अंदर सोच ख़त्म हो चुकी है ना खवातीन के लिए। अब ना साकी भाई, अब ये सिनेरियो जो आ गया ना, वो ये आ गया कि कामयाब हो जाए पहले, कैरियर बना ले, फिर देखें लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ जो भी बच्चे और बच्चियाँ मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि अगर तुम्हारा तालीम के अंदर रुझान है और तुम चाहते हो कि तालीम जारी रखो और तुम्हें लगता है कि शादी के बाद नहीं होगी, तुम तालीम अपने मेहर के अंदर मेहर को लिखवा लो। अगर ये काम नहीं मान रहा शौहर तो फिर उसकी नीयत के ऊपर शक करना है। वापस आइए, Thank you.
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हुज़ूर एक तस पहले एक हदिया करता हूँ आपको, बाकी फिर आगे गुफ्तगु शुरू करके। मुझे एक खातून अभी वक्फे में याद आ गई, उसका नाम था बरीरा। ये बरीरा जी ये इमाम अली करमल्ला के साथ जंगों में जाती थी और रजस करती थी। रजस पता आपको क्या होता है? रजस होता है कि ऐसा कलाम पढ़ना जिससे कि मुजाहिदीन जो है उनका जज्बा जो है वो बढ़े, वो रजस पढ़ा करती थी। तो वो कुछ अरसे के बाद इमाम की पर्दा करने के बाद वो उमरा कर रही थी, तो वहाँ पर वक्त का जो अमीर था वो भी वहाँ पर थे, तो उन्होंने देखा कि ये कौन है खातून। तो उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा ये वो रजस पढ़ा करती, बड़ी मशहूर खातून थी। तो उन्होंने उसको बुलाया और उसको कहा कि कोई ज़रूरत है तुम्हारी? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा मैं तुम्हें कोई हदिया करूँ तो ले लोगी? उन्होंने कहा बिल्कुल ले लूँगी। उन्होंने 100 सुर्ख ऊँट दिए। एक सुर्ख ऊँट जो है ना अरब के अंदर आज भी वो एक पराडो है। तो उन्होंने 100 सुर्ख ऊँट दिए उसको ना, उसने ले लिए। तो उसके बाद जाते हुए वो अमीर कहने लगे, उन्होंने कहा देखो कितना अच्छा हूँ मैं बादशाह, अगर अली होता तो तुझे कभी देता? उसने कहा अली मुझे फूटी कौड़ी ना देता। उसने कहा देखा फिर मैंने कैसा कमाल किया? उसने कहा बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि अली बैतुल माल को कभी किसी को ख़रीदने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता था। तो जब आप अपने माल को इस्तेमाल करते हैं लोगों की खिदमत के लिए नहीं, ख़रीदने के लिए, तो वो भी माल जो है वो आप पे तंग है, वो बड़ी मुश्किल बात है। डॉक्टर साहब, ये जब हम कहते हैं कि ओवेरियन फेलियर हो गया, ओवेरियन फेलियर से मतलब क्या होता है? कि ओवरी एग बनाना छोड़ देती है? एक्चुअली अल्लाह ताला ने जब एक औरत को, बच्ची को पैदा किया ना, तो उसके ओवेरियन बॉक्स के अंदर कुछ ओवरीज का रिजर्व पहले से दे के भेजा होता है। आए, हाए, हाए, और वो गिने चुने मोती होते हैं। आए, हाए, लाखों यार, क्या मेरा अल्लाह यार। हाँ, वो एक्चुअली अब उनका क्या होता है कि जब उन गिने चुने मोतियों का गलत इस्तेमाल हो जाए या उसको कोई प्रॉब्लम आ जाए, हार्मोनल बीमारी आ जाए, कुछ हो, ख़ास तौर पे एक बीमारी वो भी है जो सॉरी टू से जो हमारे, मुझे नहीं पता इस बात पे मेरे कई डॉक्टर्स कलीग ना खिलाफ हो जाए, लेकिन वो होता क्या है कि इवन कोएक्स भी जनरल फिजिशियंस भी जो बैठे होते हैं बगैर सोचे समझे औरत को ओवाफिन तो दे ही देनी है ना, क्लोमिफिन तो दे देनी है बिला वजह पेशेंट का नहीं भी उसका नहीं भी, उससे क्या होगा कि जो मोती उसका एक महीने में फिक्स था ना एक निकलना, वो उस महीने के अंदर 15-20 निकल जाएंगे। अब वो क्या होता है कि आपका जल्दी आपने अपना सारी उंडेल कर लिया, सारा कुछ सारा जब कंज्यूम हो गया, तो जब आपका वक्त आया ना जरूरत थी खत्म हो गया, उस वक्त बर्तन खत्म है। एग्जैक्टली गलत दवाइयां लेने से, खास तौर पे जो लड़कियां पतले होने के बाद दफा मशरूब, ये ऐसे सेंटर्स होते हैं जी, स्लिमिंग सेंटर, पहले वेट ज्यादा था, स्लिमिंग सेंटर ने कुछ वो दिए पीने के लिए, उससे भी मैंने देखा है कि बहुत जल्दी ओवेरियन रिजर्व खराब होता है। हमारी डाइट के गलत इस्तेमाल से भी इस्तेमाल वो खराब होता है। आपकी रात को अल्लाह ने रात सोने के लिए रखी है, जब आप अपने बच्चे अपना साइकिल पूरे कर लें ना, यानी आपके बच्चे पूरे हो गए, तो बेशक मुझे कोई एतराज़ नहीं 2 बजे तक जागें, 4 बजे तक जागें, लेकिन अगर आपने अभी बच्चे पूरे नहीं किए, आपकी अभी फैमिली कंप्लीट नहीं है और आप चाहते तो आप हो कि मेरा ओवेरियन रिजर्व, तो रात सोने, क्योंकि एक मेलाटोनिन हार्मोन है, वो हार्मोन रात को जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी रिलीज होना है। डॉक्टर साहब कॉलर हमारे साथ, डॉक्टर साहब ने कहा ना कि बच्चे पूरे हो जाए तो 4 बजे तक जाग ले, बिल्कुल नहीं जागना डॉक्टर साहब, किस बात पे नहीं, आपने 4 बजे तक जाना, सोना वक्त पे, अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाई है। ओए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, और रात सोने के लिए रातों को वो पैकेजेस ना लिया करो और सोने की कोशिश, ताकि सुबह यूनिवर्सिटी जा सको, सुबह आपका मिजाज अच्छा हो, सुबह आप नाश्ते पे जल्दी उठें, सुबह आपका जो हैप्पी मूड है वो सारा दिन चलता है। डॉक्टर साहब चलता है ना, हैप्पी मूड हो तो वो सारा दिन चलता है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा बेटा जी, मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाह रही। फरमाइए, सुन रही हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं आपकी ना पेशेंट हूँ, मैंने आपसे इलाज करवाया था IVF, 11 साल बाद मैंने कंसीव भी किया था, ठीक तो है। मैं आपको चेक करवा रही थी, लेकिन ये मेरा 6 माह खैर खैरियत से गुजरे, लेकिन 6ठे माह में मेरी मिसकैरेज हो गया, डिलीवर हो गया। वेरी सैड न्यूज। 6 मंथ में मैं आपकी बात कर रही हूँ जी, बस एकदम नहीं पता नहीं चला, सब कुछ ठीक था, तो मैं फिर आपके पास दोबारा आना चाहती हूँ। हनी यू आर वेलकम। मुझे ये बताएं कि 6ठे महीने में क्या हुआ था, आपको पता नहीं चला था, बच्चा तो पूरा बना हुआ था। मैं,
जी पूरा बना हुआ था, मैंने आपको भी चेक करवाया था, सारा कुछ ठीक था, बस एकदम ही पता नहीं क्या हुआ, मैं आऊंगी आपके पास दोबारा से, मैं दोबारा करवाना चाहती हूँ, लेकिन मैं वही पहली 5 कॉलों में करना चाह रही थी कि कोई बात नहीं, वो तो आप कॉलर हो, वो तो मैं आपको एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन मुझे यकीन करें ये बड़ी तकलीफ दे न्यूज़, क्योंकि मैंने वो जब बोली है तो मैंने उसको, क्योंकि मैं अपने मेरे मरीज जो है ना उनकी आवाज़ मेरे अंदर रहती है, उनकी शक्ल रहे या ना रहे, जिनकी आवाज़ का कर्ब होता है ना वो मुझे याद कराता है कि ये कौन सा डॉक्टर साहब कौन से केयर के फैक्टर्स हैं, एहतियात के फैक्टर्स हैं जो प्रेगनेंसी होने के बाद औरत को करने हैं। अच्छा हम लोग, मैं आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसी के जवाब में आ रही हूँ कि मैं आज इनकी बात सुन के एक पॉलिसी अपनी चेंज करना चाह रही हूँ। मेरी पॉलिसी क्या थी कि जब पेशेंट आपका प्रेगनेंट हो जाता था, कंसीव कर लेता था, तो मैं कहती थी अब मेरे पास आप ना आए, क्योंकि जाहिर है मैंने इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स को डील करना है, तो आप चले जाएं आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास, आप गायनेकोलॉजिस्ट के। लेकिन इसके अंदर भी मैं समझ रही हूँ कि जो आईवीएफ के कंसीव किए हुए बच्चे हैं उनकी खास पड़ेगा, उनका खास कुछ चीज़ें हैं, उनमें रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसको शायद इनका ये इग्नोर हो गया वहाँ पर, और मुझे अब अपना, आप यकीन करें कि मुझे गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने अपने पेशेंट को कहा, हाँ कि मैंने उसे कहा कि आप अपने शहर से करा लें, लेकिन मैं ये समझ रही हूँ कि अब इंशाल्लाह कि हम अपनी टीम के साथ अपने हर सिटी के अंदर एक एक कम से कम एक डॉक्टर को कि जो हाई रिस्क पेशेंट्स, जितने पेशेंट आपके कंसेप्शन उनका ART से होता है यानी IVF वगैरह से होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी से, उनकी ख़ास निगहदाश्त होती है, तो वो लोग जिन्होंने जो भी प्रोग्राम भी सुन रहे हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक दफ़ा ज़रूर मुझे दिखाएं अगर कोई रिस्क फैक्टर है। अब जब तो मैं आपको जब ये बात कहते हैं ना यू टर्न लेना जो है वो ठीक बात है, तो हम सारे तंज करते हैं उसको, लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ यू टर्न लेना जो है ये बिल्कुल ठीक होता है, जो ही आपको एहसास हो अपनी गलती का आपको फ़ौरन वापसी का रास्ता लेना चाहिए। जी फौजी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम जी मेरा बच्चा हेलो ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी मैम कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपको? जी जी मैम आप आई हैं। जी 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 मैम और सुनाए क्या हाल है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, बच्चे बच्चे ठीक हैं सब, खैमान ठीक है, घर में खैरियत है, ठीक है। अरे बेटा बात करना, टीवी बंद कर दे। हाँ इनका नाम क्या? फौजिया। फौजिया बोले ना। फौजिया या फौजी, फौजिया जैसे और मेरे बच्चे जो है जब कॉल करते हैं, लेकिन उसने हेलो हाय तो वो हेलो हाय बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुद्दे पे फौरन आए ताकि अगले शख्स को भी फौरी तौर पे मौका मिले। ये जाहिर है बड़ा मुश्किल होता है एडजस्ट करना टाइम स्पैन को, क्योंकि लोग कॉल कर रहे होते हैं और फिर होल्ड पे होते हैं, फौरी तौर पर मुद्दे पे आया करें, अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करें। जी गुफ्तगु के दौरान डॉक्टर साहब कुछ ऐसी रिक्कत अंगेज गुफ्तगु छेड़ देती है कि फिर उसके बाद वाली बात किया ना खुदा की कसम, उसका मेरे दिमाग में ना अभी तक नशा चल रहा है। क्या बात है, अल्लाह मोती रख देता है पैदा होते ही। बेशक खलक अल मौत व अल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ये भी अल्लाह का की बहुत बड़ी आजमाइश होती है, और बिलीव करें मैं तो कहता हूँ डॉक्टरों का बहुत बड़ा सब्र है, बहुत बड़ी बर्दाश्त है, बहुत बड़ा हौसला और हिम्मत है। अल्लाह ये हौसले नबियों को अता करता है, नबियों के तसद्दुक से उनकी उम्मतों में खास लोगों को चुन के अता करता है, आम बंदे के पास ये हौसला नहीं है। तो मुफ्ती साहब आप खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल खैरियत से, यही हो सकता था और क्या हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। और डॉक्टर साहब आप ठीक होंगे? इफ्फा साहब वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा बेटा। जी मुझे डॉक्टर साहिदा से बात करनी है। जी सुन रही हैं फरमाइए। जी इफ्फत जी मैं ना बुरे वाला से बात कर रही हूँ, मैंने बहुत ट्राई की, बहुत मुश्किल से आपका नंबर मिला है आज, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख मैंने बहुत दुआएं की आपका नंबर मिल गया। आपको नंबर मिल गया? हाँ जी, मेरे 5 साल हो गए शादी को मगर बेबी नहीं है। और क्या बताया डॉक्टर्स ने कि क्यों नहीं है? कुछ भी नहीं, डॉक्टर ने बस ये टेस्ट वगैरह लेती हैं, मैं हार्मोन हर चीज बिल्कुल ठीक है, एग्स कहती हैं कि एग्स बनते हैं मगर वो टूटते नहीं है टाइम पे ना। अच्छा ठीक है, और मियां बिल्कुल ठीक है? मियाँ ठीक है? हाँ जी मियाँ के टेस्ट, हाँ जी ठीक है। ठीक है, इसके लिए ना आपको कुछ फर्दर आपके टेस्ट होंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी कि क्यों टूटते नहीं है। मगर मैं एक बात आपको बता दूं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, बस मेरा वो मुझे समझ आ गया, हमने खुद ऑनलाइन का सहारा लिया है तो डेफिनेटली। हमें तो आपको पता है पेशेंट आके ना ऑफिस में कहते हैं बिलाल साहब को बताएंगे, मैंने कभी क्या बात है।
यार मान है उनका, मान ना टूट बड़ी बात है उनका मान है। ये जो पहले कॉलर्स होते हैं हमारे पांच हुए हैं, डॉक्टर साहब ने हमारे साथ जब जब से मैं डॉक्टर साहब को जानता हूँ, डॉक्टर साहब ने कहा कि जनाब ये मेरी तरफ से सदका जारिया है कि मैं उन पहले पांच कॉलर्स को कुछ अपना चार्ज नहीं करूँगी, जो भी उनकी मेडिकेशन होगी वो उसको अफोर्ड करेंगे। और ये यकीन कीजिए ये जो जुमला है ना जो डॉक्टर साहब ने कहा है, ये इस मुल्क में बाहर आप जाएँ दुनिया जहान में और किसी को बताएं तो वो कहते हैं ये सब चक्कर होगा, ये चक्कर नहीं है, ये बिल्कुल और ये ऐसा ही होता है। लेकिन ये करने के लिए पीछे एक ताकत चाहिए और उस ताकत का नाम है रब्बुल आलमीन। जब तक आपके पीछे रब ताला ना हो और आपकी नीयत सही ना हो, ये काम सिर्फ इकोनॉमिक्स के नहीं है, ये काम अल्लाह ताला की रहमत के हैं। वक्फा लीजिए, वापस आते हैं।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और स्कॉलर है तहसीन जो कि कराची से बात करेंगी। जी तहसीन, सलाम अलैकुम बेटा। सलाम अलैकुम जी। मेरा बच्चा जी, मेरी शादी को 16 साल हो गए और मेरे 4 ऑपरेशन हुए। किस चीज के ऑपरेशन हुए? अबॉर्शन हुए। अच्छा, अभी तो नहीं है, मेरे कोई भी बच्चा नहीं है, बेबी नहीं है। आपकी तहसीन कितनी उम्र है? मेरी 38 है। 38 है। तो डॉक्टर्स ने कुछ बताया कि किस में प्रॉब्लम है, आप में या आपके मियां में? नहीं, टेस्ट तो दोनों से हुए हैं और प्रॉब्लम मेरे में हार्मोन्स प्रॉब्लम हो गया है। हार्मोन्स डिस्टर्ब हुआ है मेरे। पॉलीसिस्टिक ओवरी है? जी बिल्कुल ठीक है वो भी। अच्छा, नहीं पॉलीसिस्टिक ओवरी है या नहीं? पीसीओ जिसको पीसीओ कहते हैं जिसको। चले आपको ना मैं टेस्ट की डिटेल दे दूंगी, आप वो करवाइएगा ताकि एक दफ़ा आपके आने से पहले ना हम सारा वर्कअप करा लें, क्योंकि 4 मिसकैरेजेस अगर ऊपर नीचे हो रहे हैं तो लाजमी कोई ऐसी टेक्निकल इनके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम ना हो या कोई इनके डायग्नोज कर रहे हैं हम, इलाज करा रहे हैं या टेस्ट करा रहे हैं, ये एक आम डॉक्टर को तो नहीं पता होगा कि क्या करना चाहिए? डॉक्टर को पता होता है, ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि MBBS लेवल तक भी होना चाहिए, लेकिन जब हम अपनी सब स्पेशलिटीज़ में अपने कामों में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। ठीक। तो फिर उसके बाद जो आगे चीज़ें हैं, ख़ास वर्कअप जो है जैसे बारीक बीनी से अगर मैंने करना है तो ये एक जब तक कोई फर्टिलिटी एक्सपर्ट ना हो वो नहीं कर सकता। ठीक ठीक। हमारे साथ एक पेरेंट हैं, पहले इनसे ज़रा इनकी कहानी सुन लें फिर मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि खुशी जो है वो किस चीज़ का नाम है। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? खैरियत बिल्कुल। आपका नाम क्या है? आसफ हमारा नाम है। अच्छा, ये फरमाइए कि आपका क्या मुकदमा था, कितना अरसा हो गया था शादी को, फिर क्या इलाज हुआ, क्या पता चला? तकरीबन 7 साल हो गए थे शादी को। अच्छा माशाल्लाह। तो इलाज भी बहुत कराया, मतलब कराची भी गया। अच्छा, तो सरगोधा से भी कराता रहा। अच्छा, लेकिन नहीं हुआ। फिर क्या बना? इलाज किस तरह का करा रहे थे आप, मतलब डॉक्टरों से या हकीमों से? नहीं, डॉक्टरों से भी कराया है। ठीक। लेकिन डॉक्टरों से भी कराया लेकिन कुछ नहीं बन रहा था ना। ठीक। तो फिर हमें किसी ने बताया। ठीक। डॉक्टर साहबा का। ठीक। तो हम लोग इनके पास गए, इन्होंने बताया कि पहले तो इन्होंने दवाई दी। ठीक। कि ये आप खा लें, फिर इनका टेस्ट हमारे लिए इन्होंने। ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि आपका ना वो ऑपरेशन होगा, वो थैलियों का मसला था। अच्छा। तो ऑपरेशन के बाद फिर इन्होंने दवाई दी, अल्लाह ताला ने उम्मीद लगा दी। वाह। तो इस सारे अरसे के अंदर फैमिली की तरफ से क्या प्रेशर था? फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था, नहीं था। तो अगर यहाँ तक ना पहुँचते तो फिर नामुमकिन था। ये मेरी लास्ट वार्निंग थी। ये लास्ट वार्निंग बीवी को? नहीं, घर वालों ने दी थी आपको? हाँ जी। क्या मतलब था? ये तो इसके बाद वो दूसरी शादी कर देंगे ना, ये बोल रहे थे। तो प्रॉब्लम किसने डायग्नोज हुआ था सर? मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है इनका। आसफ के नाम से? हाँ, नादिया। यस, वो मुझे अब याद आ गया। इनका एक्चुअली शी वाज हैविंग ट्यूबल ब्लॉकेज। ट्यूब्स ब्लॉक? यस, इसकी थी। इन्हें हमने दो ऑप्शन दिए थे, या IVF कराएं या ट्यूबल सर्जरी की सर्जरी कराएं। तो इनको हमने ट्यूबल सर्जरी इनकी की थी। ठीक है, ट्यूबल कैनलाइजेशन, और उसके अंदर PID की वजह से ना सारी सिस्ट वगैरह भी बनी हुई थी, एंडोमेट्रियोसिस। यानी प्रॉब्लम ये था कि शादी हुई, 7 साल गुजरे, लेकिन जो ट्यूब्स थी वो अंदर डैमेज, इन साहब की वो ब्लॉक थी, वो थी। फिर उसके बाद बीवी को प्रॉब्लम? नहीं, इनका नहीं, इनकी वाइफ की, वाइफ की ट्यूब्स ब्लॉक थी। उनका ऑपरेट, उनको सर्जरी किया। ऐसे ही है ना, उनका ऑपरेट किया, उनकी सर्जरी की थी। ये किसी को पता नहीं चला 7 साल में डॉक्टरों को ट्यूब्स ब्लॉक? पता नहीं, अब ये तो ये बेहतर बता सकते हैं कि कैसे क्या चला था। उन्होंने बताया था कि ये दवाई के साथ खत्म हो जाएगा ना, बस यही बात। ऑपरेशन नहीं करते थे और 6-7 साल निकाल लेते इन्हीं बातों में, तो उसकी एज भी खत्म हो जाती। ये तो लकीली 7 साल के बाद वो आए तो उनका डायग्नोस हुआ, क्योंकि उसको और बच्चे भी हो सकते हैं इसके, अब और भी हो सकते हैं क्योंकि ट्यूब ओपन हो गई, तो अब बच्चे वैसे ही हो सकते हैं। ये लास्ट वार्निंग किसने दी थी, अम्मा ने कि अब्बा ने? अबू ने दी थी। अबू ने कि जे ना होया तो तेरा दूजा ब्याह कर देना। तो अब वार्निंग अब्बा जान ने वापस ले ली है? ये तो अभी तो नहीं पता। अभी तो नहीं पता, अभी भी तुम पर उम्मीद हो? हाँ, दोबारा तुमने दूसरी शादी करनी है? खुद बताए ना। हाँ,
कर लेंगे, जब अगर ऐसा होगा उनकी ख्वाहिश है तो फिर पूरी कर देंगे। मना तो नहीं किया उन्होंने, बात है अब तो बच्चा भी हो, प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है वो, प्रेग्नेंट है आपकी मिसेज था। हां जी, तो अब आप चाहते हैं कि एक और बीवी जो है वो भी अगर मौका मिले तो मैं कर लूं? अभी नहीं, अभी नहीं, दस पंद्रह साल के बाद नहीं, 10-15 साल के बाद। देखें आपके पास उसमें भी मसाइल हुए तो फिर क्या करेगा? नहीं, इसलिए तो ये मतलब किया है, अगर औलाद के लिए शादी करते हैं ना, सही बात, औलाद होगी अब शादी का क्या करना है? हाँ, ये सही बात है। अच्छा सवाल, अच्छा शादी सिर्फ औलाद के लिए करते हैं? नहीं, सिर्फ मकसद औलाद नहीं होना चाहिए। औलाद तो शादी, औलाद तो कईयों की होती है लेकिन वो औलाद होती ही नहीं है, तो फिर शादी का मकसद औलाद? शादी का मकसद क्या होता है? मुझे दो टोक बात बताएं। अल्लाह की रजा, महबूब की। शादी का मतलब है ट्रू कंपेनियनशिप, महबूब की, ठीक है, कंपेनियनशिप, जो आपकी औलाद उसका बाय प्रोडक्ट, एक ऐसा शख्स जो आपका वन इन मल्टी हो, नहीं वो आपका दोस्त भी हो, आपका आपका रहनुमा भी हो, आपका सब कुछ हो, आपका पार्टनर भी। लेकिन 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 ये बात भी तो अपनी जगह है ना कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि शादियां करो ताकि आपकी नस्लें आगे बढ़ें, इसमें भी बरकत है, इंसानी नस्ल जो है उसको बढ़ाने का जरिया। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी राबिया पुत्र जी, डॉक्टर साहब मैं डॉक्टर फाजिल शाहनवाज से बात करना चाहती हूँ। जी जी डॉक्टर साहब, मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, अभी तक औलाद नहीं है। ठीक है, अगली तो बात बताओ, आप आगे बताओ कि क्या डॉक्टर से क्या एडवाइस है? पिछले डेढ़ साल से ट्राई कर रही हूँ उनके कॉल, मतलब प्रोग्राम में कॉल करती हूँ, मेरी कॉल नहीं मिलती है, एक्चुअली हम अफोर्ड नहीं कर सकते। डेढ़ साल के अंदर तुमने कोई इलाज करवाया राबिया? जी जी, इलाज बहुत कराया हमें डॉक्टर ने, ICSI सजेस्ट किया है IVF, ठीक तो वो फिर हम करवाना चाहते हैं। कितनी एज है आपकी बेटा? 32, 33 है, और हस्बैंड की भी 34 एज है। अच्छा। तो हम ये इलाज करवाना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, अगर ये हमें फेवर देती हैं तो, क्योंकि मैंने कितनी दफा अपॉइंटमेंट ली है सरगोधा की लेकिन मैं नहीं जा सकी, इसीलिए कि हम फर्स्ट 5 कॉलर में, मतलब मेरा नंबर नहीं मिला है, हम इरादा इसलिए कर लिया। जी जी डॉक्टर साहब, प्लीज मुझे फेवर करें, अगर आप कहती हैं तो मैं सरगोधा आ जाऊंगी। तो हम आप लाहौर रहती हैं, सरगोधा रहती हैं? जी मैं इस्लामाबाद में हूं। आप पिंडी से बात कर रहे हैं? हाँ, आपके लिए ज्यादा आना आसान कहाँ पर है, लाहौर में या सरगोधा में? जी सरगोधा में, वो रास्ते में आता। ठीक है, वो रास्ते में आए, ठीक है, जरूर तशरीफ लाइए और डॉक्टर साहब को रेफर कर दीजिएगा कि मैं राबिया हूँ, मेरी आपसे बात हुई थी। हाँ। मैं 33 इयर्स की हूँ, मेरा थकावट 34 इयर्स का है। फाइव कॉलर पे मुबारक मुबारक कॉलर पे रा दिए बहरहाल चले, फिर भी इसकी फेवर तो होगी ना डेफिनेटली। डॉक्टर साहब ये क्या मुमकिन हो सकता है? ये आमतौर पर सोचा जाता है या ये मिथ है कि कोई खातून जो है उसको लड़की अगर होगी तो अबॉर्शन हो जाएगा, लड़का होगा ये तो नहीं होगा, या रिवर्स? एब्सोल्युटली रबिश, रबिश, रबिश। लोगों का पता नहीं, हम इतना अरसा हिंदुओं के साथ रहे तो बहुत सारी हमारी चीज़ें जो है ना वो हिंदुआना रस्में तवाहम परस्ती आ चुकी है। मेडिकल साइंस में 18 जैसी कोई चीज़ नहीं है। इधर उधर की खवातीन 18 जी, वो जी 18 हो गया, वो जी मेरे बेटों पे बंदिश है, बेटियों पे नहीं है, ऐसी कतन कोई चीज नहीं है कि आपका अगर बेटा आपके गोद में है तो वो अबॉर्ट हो जाएगा, बेटी है। हाँ, उसकी साइंटिफिक रीज़न ये ज़रूर है कि कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ जो सेक्स लिंक्ड एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, मेल है या फीमेल, मेल अगर मेल में हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम है और वाई स्पर्म में प्रॉब्लम आ रहा है तो ठीक है, और वाई से ज़ाहिर है वाई तो सिर्फ बाप की तरफ से जाएगा ना, तो अगर बाप से कोई मौरूसी बीमारी आ रही है तो वो बच्चा हो सकता है कि वो वाई वाला उनका हर दफ़ा मिसकैरेज हो जाए। ठीक, लेकिन ऐसी कोई तवाहम परस्ती नहीं है, उसके लिए भी बकायदा आप PGD एक ऐसा तरीकाकार है कि अगर आपको पता चल रहा है कि हमारे बेटे जो हैं वो बार बार अबॉर्ट हो रहे हैं, तो और ये मतलब पता वाई स्पर्म के अंदर इसका मतलब है, इसका मतलब है कि उसका PGD होना चाहिए, यानी पहले टेस्ट ट्यूब बेबी हो, फिर उस एम्ब्रियो की हम शनाख्त करें, उस एम्ब्रियो में अगर वो हेल्दी होगा तो उसको ट्रांसफ़र किया जाए ताकि उनकी हेल्दी प्रेगनेंसी हो। सच्ची बताना है, कितने उलमा इकराम को ये सब पता है कि IVF कराना चाहिए या स्टेम हो सकता है, या इसके ऊपर जब वो बात करें या कोई फतवा लेने जाए तो वो दें, क्या उलमा इकराम को इसकी इंफॉर्मेशन है? नॉर्मली तो आम तौर पर तो नहीं है,
लेकिन जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं या लोग उनसे मसाइल पूछते हैं तो देन वो फिर इस पर रिसर्च करते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें जो दौर जदीद के साथ साथ नए मसाइल, नई बीमारियाँ, नए इलाज तजवीज़ करते हैं, तो जो उलमा हैं वो उन पर रिसर्च करते हैं। लेकिन जब तक हम इस नॉलेज के साथ अटैच नहीं होंगे उस वक्त तक हमें बिल्कुल मिसाल के तौर पर एक फतवा लेने खातून जाती है, मिसाल दे रहा हूँ कि PCO है तो मुझे एक डॉक्टर ने कहा है कि आप IVF करा लें, तो इस पर डॉक्टर क्या रिसर्च करेंगे जी? तो उनको ऑलरेडी इस के ऊपर अपने मुफ्ती गुलाम रसूल सईदी साहब ने एक तफसील लिखी तिबियानुल कुरान, अच्छा। उसके ऊपर भी और फुकहा ने, जामिया नईमिया ने भी और मुख्तलिफ मदारस ने इस पर बाकायदा रिसर्च की हुई है। अच्छा, क्या ये भी मुमकिन है कि वो रिसर्च जो है वो ज़रा थोड़ी देर के लिए हम एक तरफ रख दें और उलमाए किराम जो हैं वो अपने वक्त के जो स्पेशलिस्ट हैं उसके पास जाएँ और उससे मशवरा लें और अपनी राय बेस करें? ऐसा अभी तक वैसा होना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो रहा और होना चाहिए और बहुत होना चाहिए। डॉक्टर का उलमा से बहुत अच्छा रिलेशन होना चाहिए। हराम हलाल की बहुत सी बातें देखें ना, हम आम रूटीन में कहते हैं जी कुर्सी पे बैठ के नमाज नहीं होती, लेकिन अगर डॉक्टर कह दे तो होती है, डॉक्टर कह दे तो होती है, अगर डॉक्टर कह दे तो होती है। इसलिए डॉक्टर का मशवरा जो है वो मुफ्ती साहिबान को भी लेना चाहिए और मुफ्ती साहिबान से डॉक्टर को भी मशवरा लेना चाहिए, ये वाइस वर्सा है। अपने इल्म को शेयर करना जो है मेरे ख्याल में इसकी फौकियत का आपको अंदाज़ा उस वक्त होगा जब आप कुरान में देखें कि अल्लाह ताला ने एक इल्म वाले पे दूसरे इल्म वाले को फौकियत दी है।